होती है। महिलाएं जब न्याय करने के लिए इन्हीं पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस स्टेशन में उससे न्याय के लिए हम लोग न्याय करते हैं। योगी आदित्यनाथ गुंडागर्दी कर रहा है उत्तर प्रदेश में बहन बेटी की जा रही है। जब भी आवाज उठाई जाती है, जब भी आंदोलन होते हैं तो ये सरकारें आंदोलन को दबाने के लिए जरूर आ जाती हैं। लेकिन जब महिलाओं पे हिंसा बढ़ती है, महिलाएं जब न्याय करने के लिए इन्हीं पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस स्टेशन में बलात्कार हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सीएम योगी जो है वो ब्राह्मणवादी सरकार है, वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहती है। महिलाओं पे जो लगातार हिंसा बढ़ी है, दलितों पे हिंसा बढ़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ हम 70 साल बाद हम बोलते हैं कि हमारा देश आजाद है, हर 3 मिनट में एक दलित महिला के साथ रेप हो जाता है। दलित आपके हिसाब से सुरक्षा का आंकड़ा कितना बढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी देश आजाद नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, सरकार उनके लिए बहुत ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार देखने को मिलता है हर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी घटना मिलती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेत में मिली 2 नाबालिग लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राज्य की पुलिस ने कहा है कि उनके शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान नहीं मिले हैं। दोनों लड़कियों में से एक की उम्र 13 और दूसरे की उम्र 16 साल की थी। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई है। तीसरी लड़की की हालत गंभीर है और वो वहाँ जान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसी मामले में परिवार के लोगों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या और धारा 201 सबूतों को खत्म करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अफसरों का कहना है कि यौन उत्पीड़न का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और एंगल से भी जांच कर रही है। यह घटना थाना असोहराम बबुरा में हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि डॉक्टर्स ने जिस पैनल ने लड़कियों का पोस्टमार्टम किया है उसने लड़कियों के शरीर पर किसी तरीके के चोट न होने की बात कही है। हालांकि मौत का सही कारण पता नहीं चल सका और लड़कियों के बिसरे को परीक्षाओं के लिए भेजा गया है। हालांकि जहर की आशंका बताई जा रही है और इस मामले को पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ खुला गुंडा कर दी है। योगी आदित्यनाथ खुला गुंडा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलिता बिल्कुल मर रहा है। मुसलमान हत्या हुई है, उसके न्याय के लिए हम लोग न्याय इकट्ठा हुए घेर लिया है। दूसरी साइड जो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहां जुटी हुई है और दो बस करीब भर करके यहां से छात्रों को ले जाया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें डिटेन किया जा रहा है।